नरसंहार का डंका बज चुका था, मारे तो जाते पूरे गांव के लोग। बहन के साथ बेअन्याय अत्याचार हुआ, आंसू आ जाएंगे आप लोगों को, पूरे गांव में नंगा घुमाया गया, बहन के साथ में जख्म किए गए। साथियों, नरसंहार ऐसे नहीं हुआ था, उन छत्री बेटों ने 20 और 25 साल के लड़कों ने वो करिश्मा किया था, कुएं में उल्टा डाला गया, उल्टा मिर्च भरी गई। बहुत करीब घर की बेटी फूलन देवी मेरी भी ननिहाल है उसी गांव में, और मैं तो कस्बा में रहता हूं। साथियों, आज उनके जीवन गाथा पे और यहाँ की जन्मभूमि बेला ताल को मैं चरण वंदन करता हूँ, जहाँ पे मुझे सुभाष कश्यप जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जिन्होंने एकलव्य सेना बना करके निषाद केवट माझी मझवार तुरहा बेलदार कई जातियों में हमें आपको बांटा गया है। ये समाज में क्यों बांटा गया, इसका मूल कारण आज आपको बता दें कि ये समाज जिस दिन एक हो जाएगी, एक सूत्र में बंध जाएगी, इनकी ताकत का एहसास सेंटर में हो जाएगा। हमारी आपकी आबादी उत्तर प्रदेश नहीं, कई प्रदेशों में निषाद समाज का डंका बजता है। साथियों, मैंने कई जगह देख के आया हूँ, ये सुभाष कश्यप जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है एकलव्य सेना के, इन्होंने संकल्प का प्रण उठाया है। आज ये कुलपाल की पावन धरा धाम से ही नहीं, अभी फतेहपुर में भी मीटिंग हुई थी। जिस दिन अपनी समाज जागरूक हो जाएगी, अभी हमारी समाज जागरूक नहीं है, आपने देखा होगा कि निषाद समाज का बेटा अगर चुनाव लड़ता है तो हमारे बीच में अगल से बगल से कई लोग लगा देते हैं कि आगे ना बढ़ने पाए। सबसे पहले हमें आपको लगाम लगाना होगी साथियों की शिक्षा पर, अगर शिक्षा होगी तो सोपान पर चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए चाय भोजन एक टाइम करो, बेटा और बेटी को शिक्षित करना अति आवश्यक है, यह सोपान है चढ़ने की। और साथियों, अपने समाज का बेटा कहीं भी लड़े, उत्तर प्रदेश में चाहे कहीं लड़े, अपने समाज की एक अलग ज्योति जगाता है। ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, बीडीसी, प्रधानी और आप ब्लॉक प्रमुख, कई ऐसे पद है, विधायकी, सांसदी, हमारा आपका वर्चस्व आज काम क्यों नहीं हो रहा है, इस पर पहली नजर रखना है। साथियों, ये मंच जो बना हुआ है आज शिक्षित लोगों का मंच, ये देखिए सुभाष कश्यप जी, कहीं इनके पास कोई कमी नहीं है पैसे धन की, ऐसा आराम कर सकते थे, लेकिन बहन फूलन देवी के लिए इन्होंने संकल्प उठाया था। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जिस समय जेल की सलाखों में थी, सुभाष कश्यप जी ने लखनऊ की सर जमीन में डंका बजाया था, उस टाइम पर सरकार मुलायम सिंह जी की थी, मैं भी गया था उस मंच पर। साथियों, कोरे वादा कर दिए गए थे समाजवादी पार्टी में, कोरे कि फूलन देवी को मैंने रिहा कराया, भाई कानूनी दाव पेचोक से तो रिहा हो सकता है, लेकिन बात से बतासा नहीं बनता है। फूलन देवी के केस सारे के सारे डप नहीं हुए थे, जलते रहे थे, अधिवक्ता महाधिवक्ता होता है हाई कोर्ट में, उसके यहां से ये हमें पैरोल तो मिल गई थी, छुटकारा मिल गया था, लेकिन केसों में छुटकारा नहीं मिला था,
मुख्यमंत्री जी ने अर्जुन सिंह जी थे एमपी के, वहां पर आत्मसमर्पण हुआ था साथियों। आज फूलन देवी का नाम अगर रोशन करना है इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं सभी लोगों को कि सपना जब पूरा होगा, जब हमारे बेटे बेटियां उस शिखर पर चढ़ जाएंगे। लेकिन भाई अकेले नहीं चल सकते हैं, जहां पर मात्र शक्ति होगी कोई तुम्हारे रास्ते में रोड़ा नहीं डालेगा। माताओं को साथ में लेकर के डंडा और झंडा के माध्यम से हमें आपको चलना होगा। हमारे साथ में हमारी सरजमी से जनपद जालौन से चलकर के सुब्रम पाल, जो पाल बघेल समाज से है, जो बहन जी के कदमों में चलते रहे वो आज भी चलते। अनिल पाल जी है, ये भी हमारे साथ में काफी समय से बहन जी के साथ में रहे। फूलन देवी ने जो नरसंहार किया था, मैं स्टूडेंट लाइफ में था, सन 80 में फर्स्ट ईयर का छात्र था मेरा गांव, और ये बेमही जहां पर नरसंहार हुआ था, यमुना के इस पार और उस पार का अंतर था। 3 बजे नरसंहार का डंका बज चुका था, मारे तो जाते पूरे गांव के लोग, क्योंकि हमारा भाई तो उसमें साथी ऐसे थे जो रचना से बने बनाए छोड़ के भगा देते थे। युवा लड़के जिन्होंने कहानी तो भरी हुई है साथियों, नंगा कुएं में पानी भरवाया, बहन के साथ वो अन्याय अत्याचार हुआ, आंसू आ जाएंगे आप लोगों को, पूरे गांव में नंगा घुमाया गया, बहन के साथ में जखम किए गए। साथियों नरसंहार ऐसे नहीं हुआ था, उन छत्री बेटों ने 20 और 25 साल के लड़कों ने वो कर्षणा किया था, कुएं में उल्टा टांगा गया, उल्टा मिर्च भरी गई। साथियों मेरा गांव, मेरे गांव की भी 2 बेटियां वहां पर, ग्राम सरैनी गांव पड़ता हमारा, जहां की मेरी जन्मभूमि है, उस गांव की 2 बेटियां भी वहां पे उनके पति शहीद हुए थे बेवाही काट रहे। तो हमारे यहाँ और गांव का आना जाना छत्री महल गांव था, मेरी आबादी वहां पे 50-60 वोटों की थी, तो मेरे गांव में भी अत्याचार स्टार्ट कर दिया। मैंने संकल्प लिया, मैंने कहा अगर हमारे यहाँ निषादों के साथ में छत्रियों ने तो घर घर असलाह बंदूक कर जाएगा, ऐसा संकल्प उठाया था। इसके बाद में साथियों फूलन देवी ने हमारे गांव में आकर के, वापसी आकर के सांत्वना दी कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगर किसी ने नाजायज समाज को सताया तो ईंट से इस पूरे उत्तर प्रदेश में बजेगी। साथियों ऐसी वीरांगना फूलन देवी का घर घर हमें आपको फोटो लगाना चाहती हूं। उनके परिवार के लोग शिवनाथ सब इंस्पेक्टर पद पर, उनका बड़ा भाई एक ही भाई है, और 4 महीने की फूलन देवी, फूलन देवी की सभी बहने शिक्षित नहीं थी, स्कूल थे ही नहीं पहले, क्योंकि पढ़ी लिखी ना होने के कारण से उसके साथ अन्याय अत्याचार हुए हैं। साथियों वीरांगना फूलन देवी अमर रहे, अमर रहे वीरांगना फूलन देवी, अमर रहे अमर भाज कश्या जिंदाबाद, सुभाष कश्या जिंदाबाद, निषाद के संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है, आई हुए सभी अथाओं का नहीं मोर्चा जिंदाबाद, माताओं का सभी के साथ में सारे लोग एकत्र होकर के जिनको चाहेंगे, ये भागीदारी ने कई जातियों का ये समूह, हम आप एक जात से नहीं जीत सकते हैं, पर
कुशवाहा और आपके पटेल कुर्मी समाज, प्रजापति समाज, दर्जी समाज, कई जातियों का समूह जब संगठित होगा तब हम आप अपना विधायक बनाएंगे।